एक संदेश आप लोग को देना चाहते हैं वीडियो के थ्रू। अगर आप लोग सामान लेके सफर कर रहे हैं, देखिए बाबा का सामान कोई और लेके उतर गया है ना बाबा। देखिए भैया अंदर सीट है लेकिन ये महिलाएं देखिए बैठ के सफर कर रही है गेट के पास। देखिए आप लोग को दिखाना चाहे ना, इस गर्मी में इस ट्रेन के अंदर लाइट तो जल रहा है लेकिन फैन नहीं चल रहा है भैया। अंदर अगर आप लोग को व्यू दिखाए ना तो देखिए तीन लोग इधर भी बैठ सकते हैं इस लाइन में और उस लाइन में दो लोग। देखिए देखिए ज्यादातर इस ट्रेन से ना स्टूडेंट लोग ही आते हैं। देखिए स्टूडेंट लोग तो चलिए ट्रेन पहुंच गई बरियारपुर। और अगर आप लोग को यहां से जाना है जमुई खड़गपुर तो आप लोग यहां से उतर के भी बाय रोड जा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख पा रहे हैं हम अभी हैं रेलवे लाइन पे और हम चल रहे हैं फिलहाल जमालपुर। और आज आप लोग को ब्लॉग दिखाने वाले हैं साहेबगंज से चलकर जमालपुर तक जो जाती है, ऐसे तो वो जाती है लोकल पैसेंजर, आज उसका आप लोग को ब्लॉग देने वाले हैं। तो ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। फिलहाल हम अपने घर से पास वाले हॉल्ट पे चढ़ेंगे और आप लोग को रास्ते भर का व्यू देते चलेंगे और इस ट्रेन की पूरी जानकारी देंगे कि कहाँ से खुलती है, कितने स्टॉप में ये जमालपुर पहुँचती है और जमालपुर से ये सीधा क्यूल जाती है। तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिलहाल हम भी अपने हॉल्ट के करीब पहुँच चुके हैं जो हमारे घर के पास में हॉल्ट है। तो यहीं पर ट्रेन आएगी, लोकल पैसेंजर है। ऐसे तो आम लोगों के लिए जो होता है ना, जो बड़े बड़े लोगों के लिए लोकल है, लेकिन गरीबों के लिए ये राजधानी से कम नहीं होता है। तो चलिए ट्रेन का अगर आप लोगों को टाइमिंग दिखाएं तो 10:12 हुआ है और ट्रेन का भी टाइमिंग हो चुका है, ट्रेन आने वाली है। तो चलिए ट्रेन आती है फिर आप लोग से मिलते हैं और पूरी जानकारी देंगे साहिबगंज से खुलने के बाद कितना फेयर है इसका जमालपुर तक का। चलिए कितना, अगर आप लोग को बताना चाहें तो ये जो ट्रेन है ये सुबह के 7:10 पर साहिबगंज से खुलती है और जितना भी आप लोग को रास्ते में कहलगांव, इकचारी, घोघा, सबौर, लैलक, हर जगह ये रुकते हुए जाती है, बरियारपुर, सुल्तानगंज रुकते हुए ये जमालपुर पहुंचती है। और जमालपुर इसका पहुंचने का टाइम 11:45 है। तो फिलहाल अभी 10:15 होने वाला है तो जमालपुर कितने बजे तक ये पहुँचाती है वो भी आप लोग को जानकारी देंगे। और बने रही ब्लॉक के साथ, ट्रेन बस इन हो रही है, इसके बाद आप लोग को ट्रेन का बोगी भी दिखाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल EMU पैसेंजर है। DMU मतलब वो डीजल सेट नहीं, ये EMU है, इलेक्ट्रिक लोकल है। तो चलिए ट्रेन आती है फिर आप लोग को व्यू दिखाते हैं। तो देखिए हम पहुंच गए अपने हॉल्ट पे और कुछ ऐसा है हमारा हॉल्ट का नज़ारा। देखिए टूटा फूटा है, अभी काम चलेगा। और अगर आपको हॉल्ट का नाम दिखाएं तो ये हमारा हॉल्ट है कमरगंज हॉल्ट। यहीं से हम ट्रेन पर बोर्ड होंगे और चलेंगे जमालपुर। देखिए वही हुआ जिसका डर था, ट्रेन का आने का टाइमिंग था लेकिन ये कौन सी एक्सप्रेस निकल रही है अब आने के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल धूल उड़ाते हुए निकलेगी अभी ये, बहुत लंबी ट्रेन है, कौन सी ट्रेन है आने के बाद ही पता चलेगा। ये देखिए अभी अप लाइन से ट्रेन गुजरी है और देखिए डाउन लाइन से भी ट्रेन आ गई और हमारी ट्रेन का पता ही नहीं है। देखिए ये आ गई दानापुर से चलकर साहेबगंज जाने वाली इंटरसिटी। इंटरसिटी भी निकलने लगी, यह है मालदा से चलकर क्यूल जाने वाली इंटरसिटी। एक चीज बात बताना चाहते हैं आप लोग को, कहीं अगर जाने का रहता है ना तो ट्रेन अक्सर लेट आती है और अगर कहीं जाने का नहीं रहता ना ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम आती है। ऐसा आप लोग के साथ भी होता है ना तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए भैया आ गई ट्रेन, देख लीजिए ये है EMU लोकल जो चलती है साहेबगंज से जमालपुर और उसका जमालपुर से भी आगे जाती है ये क्यूल।
क्यूल से मतलब जमालपुर से इसका नंबर चेंज हो जाता है और ये साहेबगंज से खुलती है 034-31 बन के। चलिए ट्रेन तो पहुंच गई। नाउ ट्रेन इन। चलिए भैया ट्रेन आ गई, अब अंदर चलते हैं और बैठते हैं। चलिए चढ़ते हैं फिर आप लोगों को व्यू दिखाते हैं। तो चलिए ट्रेन हमारे हॉल्ट से निकल रही है और आप लोगों को दिखाना चाहे ना, देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट लोग पढ़ाई कर करके आ रहे हैं। बिल्कुल लेट खुली है हमारे, मतलब यहाँ से ट्रेन कितने बजे खुली है पता है? 11 बजे पक्का आई है। और अगर आप लोग को दिखाना चाहें तो देखिए इधर, और अगर दिखाना चाहे देखिए इधर से भी ट्रेन आ रही है। बाबा देखिए सारे स्टूडेंट हमारे गांव के हैं, सभी लोग पढ़ पढ़ के आ रहे हैं इसी ट्रेन से। और अगर आप लोग इधर दिखाना चाहें ना तो देखिए इधर से आ रही है धूल उड़ाते हुए। ये ट्रेन है दुमका पटना, सॉरी पटना दुमका, पटना से चल के दुमका जाती है। चलिए इसके बाद आएगी गंगनिया, फिर खारिया, घोघाट, कल्याणपुर, बलियारपुर, ऋषिपुर, रतनपुर, इसके बाद जमालपुर। तो हर स्टॉपेज आप लोग को दिखाते चले, टाइमिंग बताते चलेंगे कितने बजे तक ये आती है। जो जो लोग यहाँ से वीडियो देखते हैं कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। ये इधर अगर आप लोगों को व्यू दिखाए ना तो देखिए तीन लोग इधर भी बैठ सकते हैं इस लाइन में और उस लाइन में दो लोग। देखिए उधर वहाँ पापा मम्मी बैठे हैं और सिस्टर भी चल रही है साथ में। और ये जो आप लोग को दिख रहा है ये सामने हैंडल, ये जो आप लोग को दिख रहा है सामने, ये मतलब पैसेंजर लोग खड़े होकर भी इसमें आराम से सफर कर सकते हैं। ताकि अगर खड़े हो तो गाड़ी जानते कितना स्पीड, ये फास्ट चलती है, कहने को लोकल है लेकिन चलती बहुत फास्ट है। ताकि जो लोग खड़े हो इसको पकड़ के आप लोग आराम से खड़े रह सकते। और देखिए भैया ट्रेन के अंदर बादाम सब बिकने वाला आते रहता है। बताना चाहे ना तो सबसे ज्यादा बेचने वाला आपको इसी ट्रेन में मिलेगा, क्योंकि देखिए इसमें ये लोकल ट्रेन है ना, इसमें लोकल पैसेंजर लोग बहुत रहता है। और देखिए अगर जिधर आप नजर दौड़िएगा ना, बेचने वाला कभी झालमुड़ी वाला कभी बादाम वाला। देखिए अभी जस्ट निकला है बादाम वाला और देखिए उधर से चले आ रहा है झालमुड़ी वाला। ये पहुंच गई खड़िया, लोकल पैसेंजर बहुत होता है भैया इसमें, इसीलिए कहते हैं ये गरीबों की राजधानी है। देख रहे हैं कहे गरीबों की राजधानी, देखिए चढ़ने वाला कैसे चढ़ने के लिए तैयार। और देखिए भैया देखिए ये है लोकल का मजा भाई। और साथ में देखिए सफर कौन कर रहा है, हमारा छोटा भाई अभिषेक सौरभ। देखिए भैया उतरने के लिए कैसे मार हो रहा है। और सभी लोग से हम यही अनुरोध करेंगे पहले उतरने वाले को उतरने दे, चाहे किसी भी स्टेशन में हो चाहे हॉल्ट हो, उतरने दे फिर चढ़े। और वैसे हॉल्ट पे ज़्यादा स्टॉपेज होता नहीं, लेकिन उतरने वालों से हम यही अनुरोध करेंगे जितनी जल्दी उतरे उतना अच्छा रहेगा। खड़िया पिपरा हॉल्ट। और हाँ जो लोग हमारी वीडियो खड़िया से भी देखते हैं ना वो लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए ज़्यादातर इस ट्रेन से ना स्टूडेंट लोग ही आते हैं, देखिए स्टूडेंट लोग क्योंकि सुबह सुबह पढ़ने जाते हैं सभी। और ये सुबह का फर्स्ट पैसेंजर होता है साहिबगंज की ओर से, तो लगभग सारे पैसेंजर इसी से आते हैं। और यहाँ पे देखिए ऑटो ऑटो भी आप लोग को मिल जाएगा। और इसी के जस्ट बगल में देखिए ब्रिज नंबर 184, नेम ऑफ रिवर महानई। देखिए महानई बिल्कुल अभी खाली है भैया, जब बाढ़ आता है ना तो सड़ जाता है पूरा पानी। तो देखिए आप लोग को बताना चाहते हैं, अगर आप लोग इस ट्रेन से सफर करते हैं साहिबगंज से भागलपुर तक तो आपको लग जाएगा इसमें फेयर 20 रुपया। अगर आप लोग डायरेक्टली साहिबगंज से जमालपुर तक सफर करते हैं तो इस बीच में आपको लग जाएगा 30 रुपया। चाहे आप सुल्तानगंज आए या फिर बलियारपुर आए, कल्याणपुर आए, आपको 30 रुपया लग जाएगा। और अगर आप लोग साहिबगंज से भागलपुर तक सफर कर रहे हैं उस बीच में आपको घोघा उतरना है, एक चारी उतरना है, तो आपको लग जाएगा 20 रुपया। बाकी अगर कहलगांव तक आते हैं तो इसका फेयर आप लोग चेक कर लीजिएगा। बाकी अपनी जानकारी कैसी लगी आप लोग को, हमारी जानकारी आप लोग जरूर बताइएगा। फिलहाल ट्रेन क्यूल कल्याणपुर पहुंच रही है
कल्याणपुर रोड। भाई साहब देख रहे हैं यहाँ खाली है, हॉल्ट पे देखें भीड़ कितना था और स्टेशन पे खाली है। क्यों खाली रहता है भैया आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरा। आप लोग को दिखाना चाहे ना, इस गर्मी में इस ट्रेन के अंदर लाइट तो जल रहा है लेकिन फैन नहीं चल रहा है भैया। तो रेलवे वालों से हम यही अनुरोध करेंगे कि लोकल पैसेंजर में अगर आप लोग ऐसी सुविधा दे रहे हैं तो पंखा वंखा भी चलाया कीजिए ताकि परेशान यात्री ना हो इस गर्मी में। देखिए एक भी फैन नहीं चल रहा, सिर्फ लाइट जला हुआ है, देख लीजिए। लाइट जला के नहीं से क्या काम, इसका तो काम तो रात में है तो पंखा। तो चलिए ट्रेन पहुंच गई बरियारपुर, और अगर आप लोग को यहां से जाना है जमुई खड़गपुर तो आप लोग यहां से उतर के भी बाय रोड जा सकते हैं। इसके लिए आप लोग यहां से आराम से गाड़ी पकड़ सकते हैं। कौन सी रोड से जाएगी वो भी आप लोग को दिखा देंगे। देखिए यहाँ पे पैसेंजर उतर रहा है बहुत। तो चलिए निकल गई ट्रेन, बाहर इसलिए निकल रही है यहाँ पे भैया सबसे ज्यादा चोरी होता है, इसीलिए आप लोग यहीं से व्यू देखिए। और ये जो आप लोग को रूट दिख रही है ना यही जाएगी खड़गपुर जमुई, आप लोग इस रूट से जहाँ भी जाना। तो ये हम लोग पहुंच गए ऋषिकूट हॉल्ट। देखिए यहाँ पे आप उतर के ऋषिकूट का जब मेला लगता है मलेमास के टाइम में आराम से आप लोग यहाँ उतर के जा सकते हैं। चाहे आप लोग साहिबगंज से आए, कहलगांव से आए, सबौर से आए, भागलपुर से आए या फिर बरियारपुर से आए, अकबर नगर से आए, जहाँ से आए यहाँ आगे उतर सकते हैं। देखिए सुरक्षित उतरेंगे। छः किलोमीटर लगभग 10 या 20 रुपया फेयर है यहाँ से, आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पे पैसेंजर लोग चढ़ने वाले भी हैं अधिक, उतरने वाले भी हैं अधिक, और पास में है जमालपुर, तो जो मेन मार्केट यहाँ वाले लोगों के लिए होगा जमालपुर। ले भैया हमें गिर गया, देख पास में है। देखिए भैया अंदर सीट है लेकिन ये महिलाएं देखिए बैठ के सफर कर रही है गेट के पास। देखिए और ट्रेन उस पटरी को छोड़ के अपने लाइन पे आ गई है। हो जा रेड, हो गई ना, देखे दो बोगी क्रॉस किया रेड हो गया। और आप देखते यहाँ पे भी उतर के आप लोग ऋषिकूट जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कर्व, पूरा रेलवे लाइन यहाँ पे कर्व है। पहुंचने वाली है जमालपुर। अब वो मजा नहीं आता है, सुरंग के अंदर जो अंधेरा होता था ना वो अब दिन खत्म हो गया, अब इसके अंदर लाइट जल रहा है देखिए, और सब कुछ साफ साफ दिख रहा है अंदर। देखिए आप लोग को बताना चाहते हैं जो भी ट्रेन भागलपुर की ओर से आएगी ना खगड़िया या फिर मुंगेर की ओर जाने के लिए तो वो ट्रेन जमालपुर नहीं जाएगी, उस ट्रेन का रूट यहीं से निकल जाएगा उस पार की ओर। देखें ये ट्रेन आई और आप लोग को बीच में जो रेलवे लाइन का जो पैड दिख रहा है इसी से चेंज होके ये चली जाएगी उस रेलवे लाइन पर, वो जो आप लोग को दिख रहा है वो जो आप लोग को लास्ट वाला रेलवे लाइन दिख रहा है वो लाइन जाती है सीधा मुंगेर की ओर। आप लोग को दिखाते हैं कि किधर से निकली हुई ये रेलवे लाइन दिख रहा है। देखिए ये जो रेलवे लाइन आप लोगों को दिख रहा है ना ये गई है सीधा मुंगेर की ओर, मुंगेर खगड़िया बेगूसराय होते हुए ये चली जाती है इस लाइन से। तो इस रास्ते से आप लोग भी जा सकते हैं मुंगेर खगड़िया। देखिए उधर से देखिए गुड्स ट्रेन आ रही है उस साइड से, ये देखिए ये जाएगी भागलपुर की ओर। और एक चीज बताना जरूरी समझते हैं कि अगर जो लोग मुंगेर वाली रूट में गाड़ी पकड़ के चढ़ जाते हैं कि हमें जमालपुर उतरना है तो गलती मत कीजिएगा, वो आपको मुंगेर ही उतारेगी, ये जमालपुर नहीं आएगी। अगर भागलपुर से आप लोग आते हैं किसी भी ट्रेन से जो मुंगेर रूट जाती है वो जमालपुर स्टेशन नहीं आएगी, फिर आपको मुंगेर ही उतरना पड़ेगा जमालपुर आने के लिए, ये जरूरी जानकारी था। तो कुछ लोग चढ़ जाते हैं जाएगा तो मुंगेर ही ना जमालपुर देखे जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसका आप लोग को रेलवे लाइन दिखा दिए उधर से वो जाती है, ये ना कि आप जमालपुर आएगी इंजन चेंज होगा फिर जाएगी, नहीं उसका रेल वहीं से निकला होगा। इसलिए जो लोग चढ़ेंगे ट्रेन पर मुंगेर जमालपुर आने वाले तो मुंगेर वाले ट्रेन पे सोच समझ के चढ़िएगा। चलिए देखिए एक संदेश आप लोग को देना चाहते हैं वीडियो के थ्रू, अगर आप लोग सामान लेके सफर कर रहे हैं, देखिए बाबा का सामान कोई और लेके उतर गया है ना बाबा, तो सफर में अगर आप लोग सामान लेके कर रहे हैं ना तो अपने सामान का भी ध्यान रखा करें। देखिए बाबा का सामान ले, क्या क्या था सामान आपका उसमें, क्या क्या सामान था देखिए इनका सत्तू दूध सब लेके उतर गया, हम लोग देखे उतारते हुए हमें क्या पता था कि इनका है कि किनका है, तो इसीलिए अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, ट्रेन पे आपका कोई देखरेख नहीं होगा।
चला गया किसी और के हाथ में। देखिए लापरवाही का नतीजा यही होता है, आप आराम से मस्ती से सीढ़ी बैठिएगा और सामान आपका पार हो जाएगा, तो आगे से ऐसा गलती तो नहीं होगा। आप देखिए सीख मिलता है तो सीख जरूर आप लोग इस वीडियो के थ्रू जानिए कि अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। बाबा का चला गया पूरा सामान, तो भी खाली ट्रेन था, फिर भी बड़ा हुआ ट्रेन नहीं था। चलिए जमालपुर ट्रेन इन हो रही है, फिर आप लोग को लॉग इन करके दिखा। तो चलिए फाइनली ट्रेन एक नंबर पे लाई है, ये देखिए एक नंबर पर, क्योंकि इसी ट्रेन को यहां से जाना होता है क्यूल, वो भी खुलेगी 12:05 पे। चलिए एक नंबर पे ट्रेन जमालपुर पहुंच गई, उतरते हैं फिर ब्लॉक को एंड करते हैं। और देखिए यहां से आप लोग मुंगेर जाने के लिए, खगड़िया जाने के लिए गाड़ी बदल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया मुंगेर खगड़िया बेगूसराय जाने के लिए गाड़ी, यहाँ से आप लोग बदल सकते हैं। चलिए जमालपुर इन कर गई ट्रेन और यहाँ पहुंच। चलिए उतरते हैं फिर ब्लॉक को इन करते हैं। देखिए एक नंबर पे आई है और लगभग आई है 10 मिनट लेट पहुंची यहाँ पे, क्योंकि 11:45 है, 11:55 पहुंच गई। चलिए ये ट्रेन रहती जमालपुर तक है, लेकिन यहाँ से इसका नंबरिंग चेंज होकर चलता ही है क्यूल के लिए। देखिए यहाँ पे पैसेंजर लोग बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जाएगी क्यूल। ट्रेन फाइनली पहुंच गया जमालपुर, और अगर इस ट्रेन के बारे में बताएं तो ट्रेन बहुत अच्छी है, लोकल बहुत अच्छी ट्रेन चली, और हम तो अपने हॉल्ट से सफर किए तो मिला जुला के टाइमिंग हमारे हॉल्ट पे आई लगभग ये 40-45 मिनट लेट, और यहाँ पहुंची लगभग 10 मिनट लेट। तो चलिए यहाँ से ये ट्रेन जाएगी क्यूल के लिए, तो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, पूरी जानकारी दी है। तो चलिए मिलते फिर से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए, और होस्ट के प्लीज भाई के लिए एक लाइक एक कमेंट एक शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे हमारा इंस्टाग्राम का आईडी और सब जरूर फॉलो करके हमसे डीएम कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।